अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी स्टूडियो बाय ज़ारा सिस्टर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी वीवर्स, कैसी जा रही हैं आपकी समर वेकेशंस? जो लोग जॉब करते हैं वो लोग तो इस टाइम कर रहे हैं रेस्ट, फुल ऑफ फुल रेस्ट चल रहा है उन लोगों का और अब वो आ चुके हैं सुकून माहौल में। पर जो हाउसवाइफ हैं वो इस टाइम थोड़ी सी उलझी हुई हैं और कुछ गर्मी की वजह से उलझन है और कुछ बच्चों की वजह से उलझन है। तो जाहिर बात है उनके फेस भी इसी तरह से थोड़े से उलझे हुए हैं। तो उनके ख्याल करते हुए आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त लाई हूँ रेमेडी। इस रेमेडी को यूज़ करने से उनकी स्किन नीट एंड क्लीन भी होगी और जो उनके फेस पर थकन की वजह से बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ बन गई हैं या रंग काला हो गया तो वो भी सही हो जाएगा और देखिएगा उनका फेस बिल्कुल फ्रेश और नीट नज़र आएगा। इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं एलोवेरा जेल का। ये हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इससे हमारी स्किन फ्रेश हो जाएगी और हमारे स्किन पर जो एलोवेरा है वो सन ब्लॉक का भी काम करता है। अगर हम इसको धूप में लगाते हुए अपने फेस पर लगा कर जाएँ तो ये हमारे फेस पर सन ब्लॉक का काम करेगा। और नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं टमाटो का, यानी कि टमाटर। ये हमारे स्किन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये गर्मियों में हमारे स्किन पर जो सॉफ्टनेस लाता है और हमारे स्किन को जो गर्मी से बचाता है और देखिएगा कितना ऑसम रिज़ल्ट आने वाला है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है हनी और ये हमारे स्किन के लिए ये भी बहुत ही बेस्ट थिंग है। इससे हमारे स्किन पर जो है ग्लोइंग आएगी और हमारे स्किन को क्या करेगा, तरोताज़ा रखेगा। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी और क्या ऑसम रिज़ल्ट आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जी सबसे पहले लेंगे हम एक साफ सी प्याली, इसमें ऐड करेंगे योगर्ट यानी कि दही का। दही हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं 2 चम्मच। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए और बेस्ट है। सेकंड इसमें ऐड करने वाले हैं हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का और नेक्स्ट स्टेप है हमारा टमाटो यानी कि उसका पल्प को अलग कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रश करेंगे और इसके जूस को सेपरेट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे अपने पहले वाली रेमेडी की चीज़ों में। 1 चम्मच हम ऐड करने वाले हैं इसमें टमाटो पेस्ट का। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें लेमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो जी हम 1 टेबल स्पून इसमें लेंगे लेमन। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे हनी, हनी भी इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून। और अब क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। और मिक्स करने के बाद लास्ट स्टेप हम इसमें ऐड करेंगे ग्राम फ्लोर का यानी कि बेसन का और अब इसको अच्छी तरह से अब करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। ये इम्पोर्टेंट है, पहले इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें ग्राम फ्लोर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बात करते हैं इसको लगाना किस तरह है फेस पे। इस रेमेडी को आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और ये बहुत ही ऑसम रेमेडी है। और मिक्स करने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी। इसको आप अपने फेस पर 15 मिनट अप्लाई करना है और फिर वॉश कर लेना है। तो जी अब मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।